नमस्कार साथियों, मैं सुनील आज आपको राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा जिसे RAS के नाम से जाना जाता है उसको लेकर लाखों अभ्यर्थी उत्सुक रहते हैं कि कब इस भर्ती का विज्ञापन आएगा और इसके चयन से संबंधित संपूर्ण जानकारी को लेकर असमंजस में रहते हैं। तो मैं आज आपको उन तमाम सवालों का जवाब व उनका समाधान बताऊँगा। आप सभी से निवेदन है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर गंभीर है वो इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप में एक आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। तो मैं इस वीडियो में मेरा 3 साल का अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ और केवल RAS प्री से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने RAS मेंस एवं इंटरव्यू को लेकर जानकारी देने की कोशिश की तो आपकी नींव या बेस कमज़ोर ही रह जाएगा। इसलिए मैं आपको केवल और केवल RAS प्री के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे और किन किन मानक पुस्तकों का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम जो अभ्यर्थी पहली बार इस परीक्षा का अनुभव ले रहे हैं उनको मैं एक ही बात सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपने आप को RAS रूप में ढालने का प्रयास करें और अपने अंदर कभी भी नेगेटिविटी को हावी ना होने दें कि मेरे से ये नहीं होगा, इसमें तो गफलत होती है, सब सेटिंग रहती है। अगर कोई अभ्यर्थी ये बातें सोच रहा है तो कभी भी RAS बनने के सपने मत देखना, क्योंकि इस परीक्षा का सबसे सफल पॉइंट है वो धैर्य या पेशेंस है। अगर वो हम खो देंगे तो RAS नहीं बन पाएंगे। और जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के बारे में सोच रहा है वो पहले थोड़ी जानकारी जैसे इस परीक्षा में कितने स्टेज यानी चरण हैं और अलग अलग स्टेज का सिलेबस क्या है उसकी जानकारी अवश्य पता कर लें। तो मैं अब आपको पुस्तकों की सूची बता रहा हूँ जिसमें राजस्थान का संपूर्ण इतिहास, कला व संस्कृति, अर्थव्यवस्था, भूगोल एवं राजव्यवस्था के टॉपिक का अध्ययन आप HD सिंह व चित्रा राव द्वारा लिखित राज पैनोरमा के वॉल्यूम 1 व वॉल्यूम 2 का अध्ययन करें। अगर ज़रूरत पड़े तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की NCERT राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से 12 का अध्ययन भी कर लें। अब भारत की राजव्यवस्था एवं संविधान आप M लक्ष्मीकांत की पुस्तक से पढ़ें, इससे बढ़िया मानक पुस्तक और नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। संपूर्ण भारतीय इतिहास किरण पब्लिकेशन से पढ़ना बेहतर रहेगा समय के अभाव में, और अगर आपके पास समय रहता है तो आधुनिक भारत का इतिहास आप विपिन चंद्रा की पुस्तक को पढ़कर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आप लाल एंड लाल से पढ़ें एवं इसके साथ ही भारत व राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का अध्ययन अवश्य करें। वो आप चाहो तो प्रतियोगिता विशेषांक या राजस्थान के लिए राज पैनोरमा का स्वाध्याय करें, और साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट आप राज पैनोरमा के वॉल्यूम 5 से करें जो सबसे मानक व सटीक पुस्तक है। अब भारत का भूगोल आप महेश कुमार वर्णवाल तथा अगर समय रहता है तो डॉक्टर माजिद हुसैन का स्वाध्याय जरूर करें, परंतु मेरे हिसाब से MK वर्णवाल का कोई विकल्प नहीं है। और रीजनिंग और मैथ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इन पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें क्योंकि ये सब्जेक्ट लगभग सभी अभ्यर्थी आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस थोड़ा सा आसान है। फिर भी RAS अग्रवाल व रामनिवास मथुरिया का अध्ययन अवश्य कर लें, और करंट रिलेटेड न्यूज़ डेली न्यूज़पेपर से लिखकर अलग अलग नोट्स तैयार कर लें एवं प्रतियोगिता दर्पण तथा क्रोनोलॉजी का भी अध्ययन करें। शायद इन मानक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आपको कोई भी RAS की प्रथम सीढ़ी चढ़ने से नहीं रोक सकता। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई पुस्तक का अध्ययन करें तो लगातार 2-3 घंटे न पढ़कर आप 30 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं या 1 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट ब्रेक ज़रूर लें। इससे आपकी चिंतन व मनन शक्ति बढ़ेगी और
आप अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। और एक दिन में कभी भी लगातार एक पुस्तक को नहीं पढ़ें, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ें, जैसे 3 घंटे भारत का भूगोल एवं 3 घंटे राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़ें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जब भी पढ़ें साथ में ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जरूर रखें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा कि कौन सा स्थान कहाँ पर है वह इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जल्द ही मैं आपके लिए RS मेंस रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।